हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों को? हाँ जी, सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। जी, चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर को। ब्लेंडर का कुछ जो है ना, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी थी, तो जी, जो बाकी चीज़ें हैं वो आज हम बात करेंगे, ठीक है और सर। जो रह जाए वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अच्छा जी, इन दो चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं या फिर इसको हाइड कर देते हैं कैमरे को? अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि ये टूल कैसे वर्क करते हैं यहाँ तक, ठीक है, और साथ में मैंने आपको जो है ना वो एडिट मोड का बता दिया था। एडिट मोड में जो टूल्स हैं हमारे, जो हमें चाहिए होते हैं काम करने के लिए, वो सारे टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कोई भी आप मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज जो है ना वो हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। ये जो है वो नया हम ऐड करते हैं यहाँ पर क्यूब। चलिए इसको हम ऑफ कर देते हैं। क्यूब ऐड हो गया। सर, मैंने जो लास्ट टाइम ना एक आपको मॉडिफायर बताया था, अरे मॉडिफायर, ठीक है जी, आपको मैंने बताया था उसमें जो है ना वो आपने कैसे चेंजेस वगैरह करनी है, उसमें जो है ना उसको कैसे यूज करना है। यहाँ से हम इसका काउंट कर लेते हैं 10, ठीक है, तो ये काउंट 10 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, मैं इसको इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिएगा, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हमें चाहिए हो कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये 10 हैं, तो 10 अलग-अलग हो जाए, ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो उसका जो तरीकाकार होता है, आपने जाना है यहाँ पर एडिट मोड में, ठीक है, और यहाँ पर आपने पी प्रेस करना है, ठीक है, सिंपली पी प्रेस करना है, तो ये यहाँ पर जो ना एक विंडो खुल जाएगी छोटी सी, इसमें ये देख रहे हैं बाय लूज पार्ट्स, इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। आपने जैसे ही क्लिक भी किया तो ये देख रहे, पहले सिर्फ क्यूब था, तो अब उसने उसको 10 क्यूब्स में कर दिया है, ये देख रहे 0, और ये 1 से लेकर 9 तक, ये 10 में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आकर मैं दिखाता हूँ आपको, यानी कि ये 10 एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है? इसमें मसला ये आ रहा है, इन सब का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है। अब हमने कोई काम करना हो तो हमने इसको रोटेट करना हो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से रोटेट टूल लेता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि ये रोटेट हो जाए अपनी जगह पर, लेकिन मैं जैसे ही, क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट ही यहाँ पर है, तो ये यहाँ से रोटेट होगा ना कि यहाँ से, ये देखिएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपने सभी को सिलेक्ट करना है, ताकि हम चाहते हैं ना कि सभी का जो, ये देखें, सभी का जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि सभी का ओरिजिन पॉइंट इनके सेंटर में आ जाए, इसका इसके सेंटर में, इसका इसके सेंटर में, इसी तरह जो बाकी हैं उनके सेंटर में आ जाए, जिस तरह का ये है, ये देखिएगा, इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये अपने इर्द गिर्द रोटेट होगा, ठीक है। तो हम जो बाकी हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर है जी सेट ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने ओरिजिन टू ज्योमेट्री पर क्लिक करना है,
ये देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये उनके बन रिजन हमें नजर आना शुरू हो गए। ये देखें, अब इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये अपने इर्द गिर्द ही रोटेट होगा। इसी तरह ये देखें, ठीक है जी। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपको जो अब आप काम करेंगे तो बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है जी। तो आई होप आपको इस चीज़ की जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अपना ओरिजिन पॉइंट है उसको चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है ना इसका कर लिया है, ओरिजिन पॉइंट चेंज कर लिया, अब आप चाहते आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है, या आपका जो भी आप मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, जो भी सीन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको लगता है यार कि हमने ना ये वाली चीज़, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर रख के इसको रोटेट करना था, या कोई भी इसका जो है ना कोई इसमें चेंजेस करनी थी, लेकिन अब तो ये जो है ना वो चेंज हो गया, आप कैसे करेंगे। तो ये दोबारा हम इसको जो है ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन में, ये देख यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओरिजिन्स आ गया, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको टिक किया तो ये यहाँ पर ओरिजिन्स आ गया, ठीक है। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, ये उसका ओरिजिन है, हम इसको पकड़ कर कहीं भी इसका ओरिजिन रख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि 1 है तो इसके सेंटर में यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपने इस चीज़ को बंद कर देना है, इसको अनचेक कर देना है, ये देखें ओरिजिन को। अगर आप इसको अनचेक नहीं करेंगे ना, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे जिसका आपने ओरिजिन चेंज किया है, तो ये देखें क्या होगा, आपका ओरिजिन ही रोटेट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको अनचेक करना है, उसके बाद हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो हो जाएंगे। ये देखें, अब उसका ओरिजिन कहाँ पर, यहाँ पर आ गया, अब उसके ओरिजिन के हिसाब से वो रोटेट कर रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये एक छोटा सी जो है ना वो चीज थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा जी, अच्छा इसमें जो है ना इसको हम मैं डिलीट करता हूँ। अब हम बात कुछ और चीज़ों के बारे में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मैंने आपको मटेरियल का बताया कैसे आया, यहाँ पर हम एक क्यूब लेते हैं, ये हमारा क्यूब आ गया है, ठीक है। अब हम इसमें एक मटेरियल ऐड करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर हमने इसमें मटेरियल ऐड कर दिया, उसका कोई सा भी कलर रखते हैं, ये मैंने इसमें कलर दे दिया, ठीक है। तो अब आपने इसमें मटेरियल दे दिया, आपने जो ना वीडियो देखी होंगी शायद, मेरी भी देखी और बाकी चैनल की भी, उन्होंने जो है ना वो ग्राउंड सा बनाया होता है, नीचे प्ले ग्राउंड सा, उसमें का सीन क्या होता है, उन्होंने क्या किया होता है, यहाँ पर उन्होंने ना ऐसे ग्राउंड सा बनाया होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये वाला कलर और होता है और ये वाला एक और होता है, ठीक है, इस साइड का और ये ऊपर वाली सरफेस का और होता है। तो इस तरह हम कैसे करेंगे, ठीक है, हम दो कलर एक ही ऑब्जेक्ट में कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक जो ऐड कर दिया मटेरियल, एक और मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, उसको भी ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ऐड का कलर रख लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम जब हमने उसमें ऐड नहीं किया, इसमें जो पहला हमने
इसमें ऐड किया था वही शो हो रहा, तो हम वो दूसरा मटीरियल इसमें कैसे ऐड कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एडिट मोड में जाना है, यहाँ पर हमने स्पेसिस को सेलेक्ट करना है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट ट्यूटोरियल में सेशन में बता दिया था ये क्या चीज़ें होती है, ये वर्टेक्स है, ये कॉर्नर है और ये हमारा फेसिस है। हमने फेसिस को सेलेक्ट करना है, जिस भी फेस में आपने उसको देना है वो कलर अप्लाई करना है, आपने उसको पकड़ना है। यहाँ पर साथ में इसमें शिप के साथ, शिप के साथ मतलब तो इसमें लगता है ऐसे है जैसे वो डी सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ये सिलेक्ट हुए हुए इस वजह से इसके कलर थोड़े से चेंज है। इनको पकड़ना, अपने फेसेस को सिलेक्ट करना है, कर लेना है ठीक है। उसके बाद आपने जो कलर ऐड करना है उस पर जाना है, यहाँ पर उसको असाइन करना है। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ कर असाइन किया तो ये देखिए उसका कलर, दो कलर आ गए। अब ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, यहाँ पर जो हमारा सबसे लास्ट में है एक ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे ये हमारा सबसे लास्ट है ये वाला ठीक है। तो हमने जो भी कलर इसमें दिए होंगे ना उनके जो भी नाम हो गए यहाँ पर, ये देखिए ये कॉपीज है ना थोड़ा कम, वो उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है नीचे उसमें आ जाएंगे। पहले उसका नाम आएगा उस ऑब्जेक्ट का ठीक है, उसके नीचे जितने भी आपने उसने सॉरी मटेरियल्स ऐड करे होंगे, कलर्स नहीं मटेरियल्स ऐड करे होंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए इसका नाम जो है पहला मटेरियल जो हमने ऐड किया 002 और जो दूसरा ऐड किया 003, तो ये दोनों उसमें ऐड हो गए ठीक है। अच्छा अब आप इसको जो ना वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना के लिए आपने क्या करना है, आपने अब हमारे पास अगर हम इसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लें ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो ये बाकी जो भी ऑब्जेक्ट हैं तो वो भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ हम इसी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है फाइल में, यहाँ पर एक्सपोर्ट में, यहाँ पर हमने FBX एज FBX ही एक्सपोर्ट करना है ठीक है। वैसे तो आप OBJ भी कर सकते हैं लेकिन जो ना वो ज़्यादा बेस्ट मेरे ख्याल से FBX, तो मैं भी ज़्यादातर जो है ना वो इसी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता हूँ, ये 3D के बाकी भी ये 3D के फॉर्मेट है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी लोकेशन चूज़ करनी है उसको चूज़ कर लें, जैसा कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज करता हूँ। इसका यहाँ से आप नेम रख सकते हैं जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ डिफॉल्ट टू डिफॉल्ट ब्लेंडर ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने सिर्फ बाकी बहुत सारे आपके सीन में आप जो है ना वो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करें ठीक है, उसमें सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आकर उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को चेक कर लेना और साथ में ये इसको भी चेक कर लेना ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्टिव सिलेक्शन और जो भी आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही एक्सपोर्ट होगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे, भला आपने इसको हाइड किया हुआ है जो बाकी चीज़ें हैं ठीक है, तो वो सारी उसके साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ और यहाँ पर जाकर क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट पर FBX, तो ये विद इन अ सेकेंड ये एक्सपोर्ट हो गई। यहाँ पर जाएंगे हम
ये देखो, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो ना वो 3D व्यूअर में जो कि विंडोज का होता है बिल्ट इन, उसमें खुल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद खुल जाएगा। तो ये देखें, हमने जो चीज़ एक्सपोर्ट की थी वही एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। अगर हमने इसमें दो चीज मटेरियल ऐड किए थे तो इसमें दो ही मटेरियल ऐड हुए थे, ठीक है जी। तो इस तरह आपने चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेनी है। अच्छा, इसको जो है ना वो आप अपने साइक्लोन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ ना, मेरा ये यहाँ पर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है, ठीक है। मैंने इसको पकड़ना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है ये, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं स्केल करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एस प्रेस करना है तो ये मेरा स्केल होना शुरू हो जाएगा। मैंने साथ में अपना माउस जो है ना वो आगे पीछे करना है, उसमें कोई बटन नहीं मैं प्रेस कर रहा, सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्केल हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसको जितना भी स्केल करना चाहूँ स्केल कर सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से भाई आप याद है, सेलेक्ट, यहाँ से तो कर अभी ही हम सकते याद हैं, है। यहाँ पर जाकर डायरेक्शन में, यानी कि आप इसको एक्स एक्सिस में करना चाहते हैं, वाई एक्सिस में, यहाँ पर एक्स एक्सिस में, या जेड एक्सिस में करना चाहते हैं ऐसे। तो आप इस टूल को सिलेक्ट किए बगैर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एस प्रेस करना है। ऐसे क्या होगा, वो आपका एक्टिव हो जाएगा स्केल टूल, ठीक है। अब किसी भी, जिस भी आप डायरेक्शन में इसको स्केल करना चाहते हैं, अगर आप एक्स डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो आपने जो अपना कीबोर्ड है उस पर एक्स है उसको प्रेस कर देना है, और अब आपने अपना माउस को आगे पीछे करना है। तो ये देखें, एक्स डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। अब अगर आप नींद करना निकाले चाहते थी हैं इसको वाई डायरेक्शन में स्केल, तो आपने वाई प्रेस कर देना है। ये देख, ये वाई डायरेक्शन में स्केल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा से एस करता हूँ प्रेस। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जेड डायरेक्शन में स्केल करूँ। ये देखें, ये हो रहा है, ये देखें, ये हमारा जेड डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। तो कुछ आप लाए इस तरह मिठाई भी इसको कर सकते हैं। मिठाई तो बन गया थे अच्छा, या मैं तब जरा सा उसके बनाती हूँ, अलावा ठीक एक है। और तरीका भी होता भाई है इनको कहाँ से स्केल आते करने हैं, का। फीडबैक ही नहीं। अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं किसी भी मखसूस डायरेक्शन में, एक्स वाई या जेड, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली एस प्रेस करना है। उसके बाद आपका जो माउस व्हील है, ठीक है, आपने अपने माउस व्हील को प्रेस रखना है, और आपकी जो, अगर आप वाई डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो आपने वाई डायरेक्शन में उसको पकड़ कर खींच देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये लाइन नजर यहाँ पर बनी है, ये इसके साथ, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन स्केल हो रहा है, मैंने कोई एक्स वाई या जेड नहीं प्रेस किया, मैंने सिंपली एस प्रेस किया और अपना माउस व्हील, ठीक है, उसको प्रेस रखा हुआ है, मैंने छोड़ा नहीं है। और जिस भी डायरेक्शन में आप करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ले जाए। अब ये देखें, मैं इसको जेड डायरेक्शन में ले गया हूँ तो ये जेड डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर मैं वाई डायरेक्शन में, तो ये वाई में हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको ले गया हूँ, ये इस लाइन पर आ गया हूँ, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो आप इस तरह से भी इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, पड़ोसियों अगर आप इसको फ्रीली मूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे तो हम यहाँ से ये मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको जो है ना वो मूव करते हैं इस डायरेक्शन। अब आप इसको अगर फ्रीली मूव करना चाहें तो आपने करना क्या है, आपने जी प्रेस करना है और अपने माउस को ऐसे दूसरी तरफ उसको लेना, लेकर जाना चाहें उस तरफ ले जाए अपने माउस। मैं राइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मैं इसको जो ना अप लेकर जा रहा हूँ तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो पीछे लेकर आ रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ आ मैंने रहा है, पूछा ठीक ना है।
तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, जी प्रेस करके आप उसको फिर मूव कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कहीं भी लेकर जाते हैं उसके बाद तो आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैं उन्हें मैसेज कर दिया, ठीक है, तो ये जिस भी आप एक्सिस पर ले गए हैं, जिस भी पोजीशन पर आप ले गए हैं, तो ये वहीं पर रुक जाएगा। अगर आपने इसको जी प्रेस रिली मूव करते हैं, ठीक है, और इसको मूव कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया, शायद भाई क्या तो ये वापस उसी जगह पर आ जाएगा जिस जगह क्योंकि मेरी क्लास चल रही है, इसलिए मैं आ नहीं सका यार, जहाँ से आपने इसको अभी तक मेरी क्लास चल रही है, ये चीज आपने ध्यान में जरूर रखनी है। अच्छा जी, अगर आप, अब मैं इसको ले आता हूँ, ये मैंने कैसे किया, मैंने शिफ्ट के साथ एस प्रेस किया और सिलेक्शन को कर्सर पर क्लिक कर दिया, जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो कर्सर पर आ गया। कर्सर का मैंने आप लोगों को जो है वो लास्ट सेशन में बताया था, ये वाला कर्सर होता है, मैंने आपको बताया था इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो मैं दोबारा से शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर जाकर क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा वो आपके कर्सर पर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर आपने इसको रोटेट करना है बगैर टूल सेलेक्ट किए तो कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है, आपने आर प्रेस कर देना है, आर से रोटेट, ठीक है, तो ये आप इसको रोटेट करेंगे, ये फ्रीली रोटेट हो रहा है, अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका भी वही सीन होता है, आप जिस भी डायरेक्शन में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने आर प्रेस करने के बाद उस डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में करना चाहते हैं उसको, तो उसका बटन क्लिक कर देना है। एक्स में करना चाहते हैं तो ये देखें, आपने एक्स पर कर देना तो ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है जी। अगर आप इसको करना चाहते हैं वाई डायरेक्शन में तो ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ये देखें। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं जेड डायरेक्शन में तो ये जेड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स इसकी बता दी है कि आपने इसकी शॉर्ट कीज कैसे यूज करनी है, ठीक है जी। अच्छा सर, एक बात पूछूं जी, ये जो आपने बनाया क्यूब बनाया, इसको प्लेट बनाई है इसकी, जी तो मतलब हम लोग जो वीडियो बनाते हैं आईक्लोन में उसकी जो मॉडलिंग वहीं पे करते हैं, तो उसकी मॉडलिंग यहाँ पे कर सकते हैं ना हम, किसी भी चीज़ की कोई भी मॉडलिंग करनी हो, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, इसको एक्सपोर्ट करके उसमें सिर्फ एनिमेशन कर सकते हैं ना। हाँ, आप यहाँ पर छोटे छोटे जो ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट, अपना प्रॉप्स वगैरह क्रिएट करके ना उसको एक्सपोर्ट करके वहीं पर लेकर जाएंगे। जी, मतलब कोई रूम बनाना हो या कोई दीवार बनानी हो, यहाँ पे बना के फिर एक्सपोर्ट करके वहाँ ले जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसमें वहाँ पर ले जा सकते हैं। चले, लेकिन आपने ख्याल इस चीज का रखना है, आपने यहाँ पर जो चीज, जो भी चीज बनानी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी सी बनानी है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ी चीज लेकर जाएंगे तो आपका सीन जो आईफोन में होगा ना वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। जी जी, उसमें इतना जाएगा कि आप उसमें अगर मूव करना चाहेंगे ना इस तरह, जैसे ये पैन कर रहे हैं, तो वो सही से पैन भी नहीं होगा, इतना हैवी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीज बनानी है, कोशिश ये करें कि आप यहाँ पर दोनों को कम से कम चीजें बनाएं, जो वहां पर बनती है वहां पर बनाए, ठीक है। अगर वहां पर नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती, तो आप फिर यहाँ से बना कर उनको एक्सपोर्ट कर लें वहां पर, ठीक है। वन बाय वन एक्सपोर्ट करना है, सारी चीजों को देखा आपने, एक्सपोर्ट करना,
आपने कोई भी प्रॉप बनाया तो उसको एक्सपोर्ट कर लें, कोई दूसरा बनाया उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है। जी, ठीक है ठीक है। और छोटा यहाँ पर आपने छोटा रखना है, अगर आप इसको छोटा नहीं रखेंगे तो आपका सीन हैवी हो जाता है और बाद में आपको जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सर मैं यहाँ पर आपको ना एक बता दिखाता हूँ, मेरे पास वीडियो है, यहाँ पर नहीं है वो इसमें हो। ये वाले थी आई थी पहले, तो ये देखें ये सीन इतना ज्यादा हैवी हो गया था कि इसकी रेंडरिंग सिर्फ 10 सेकंड की रेंग 10 15 20 सेकंड की रेंडरिंग के लिए, वैसे जो है ना वो मेरी रेंडरिंग हो जाती है 10 से 15 मिनट। तो ये सीन, ये सारी मैं चीजें जो है ना वो ये बहुत ज्यादा बड़ी है, ये मैं अपना आकर लेकर गया था ब्लेंडर से आईकॉन। जी, तो जब मैंने इसकी ब्रांडिंग की स्टार्ट की, छोटे छोटे सीन बनाकर, तो एक सीन की ब्रांडिंग 1 डेढ़ 1.5 घंटे में हो रही है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे सिर्फ सिर्फ ब्रांडिंग में मेरा 12 से 14 घंटे लग गए थे, ठीक है। अच्छा तो आपने ना इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। ये टग ऑफ वार की मैंने काफी देर 2021 की है, उस वक्त बनाई थी। जी, अच्छा जी, ये मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बता दिए हैं। अच्छा अब हम जो है ना वो बात कर लेते हैं